नमस्कार। आज हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर आप सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डेरिवेटिव है कैल्शियम फार्मेट, यदि हम कैल्शियम फार्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो फार्मेल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट इसमें से निकल रहा है और SCHO यानी फार्मेल्डिहाइड मिल रहा है। सेकंड है बाय हीटिंग ऑफ कैल्शियम फार्मेट विथ कैल्शियम एसीटेट, यानी जब हम कैल्शियम फार्मेट का कैल्शियम एसीटेट के साथ में ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो यहाँ ये कैल्शियम एसीटेट ये कैल्शियम फार्मेट कैसे रिएक्ट हो रहा है आप देख रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर एसिटल्डिहाइड फॉर्म होगा, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से एसिटल्डिहाइड बनता है। अब यदि हम केवल कैल्शियम एसिटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा कैल्शियम एसिटेट में से, और कैल्शियम कार्बोनेट के निकलने के बाद एसीटोन फॉर्म होगा। यानी यहाँ पर तीन कंडीशन आपको याद रखना है, जब अकेले कैल्शियम फार्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो फार्मेल्डिहाइड, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट का करेंगे तो एसिटल्डिहाइड, और अकेले कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करने पर एसीटोन मिलेगा। थैंक यू।